नमस्कार, आज हम मसाला पापड़ बनाने जा रहे हैं। मसाला पापड़ खाने में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है और यह बहुत आसानी से झटपट तैयार होने वाला स्टार्टर है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमने पापड़ ले लिया है। इसके अलावा नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और एक नींबू का रस निकाल कर ले लिया है। नमकीन सेब ले लिए हैं, हरे धनिए की पत्तियां जिनको हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, प्याज जिसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और टमाटर और हरी मिर्च इनको भी हमने काट कर तैयार कर लिया है। मसाला पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ को सेक कर तैयार करते हैं। उसे हम तवे पर ही सेकेंगे जिससे कि वो फोल्ड नहीं हो। उसके लिए हम गैस ऑन करते हैं, गैस तवे को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तवा गर्म हो गया है, इस पर हम पापड़ को रखेंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। इसको हम अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे जिससे इसके कॉर्नर अच्छे से सेक जाए। पापड़ सिक गया है, गैस को बंद कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पापड़ के ऊपर हम कटी हुई प्याज चारों तरफ फैला के डालेंगे। कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, हरे धनिए की पत्तियां, हम इनको चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। चाट मसाला, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर, और नमकीन सेब। तो थोड़ा सा नींबू का रस। मसाला पापड़ बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।